Dear students, very very good morning. In this lecture we shall discuss notices, English notices. And a notices is a topic which is very important on the point of view of exams, whether it is board class or non-board class, from 6th up to graduation. In schools and colleges, notices are given in exams question paper. Okay, and in this lecture we will discuss not only one or two notices, all kind of notices: bulk donation, lost and found, lost, found, quiz competition. Each kind of notice will be discussed in this single video. After watching this video, you need not to read in books or go to anybody else to learn about notice. Just be free, be attentive. And I am going to discuss this notice in such a way that if you have to write, you can take screenshots. After taking screenshots, you can easily write in your notebook. So be ready. Notice. A notice is a written or printed news. जो notice होता है वो लिखा हुआ या छपा हुआ कोई भी क्या होती है, खबर होती है, अनाउंसमेंट होती है, सूचना होती है, और इन्फॉर्मेशन, कोई भी जानकारी होती है. इट इज यूजुअली, यह आमतौर पर displayed publicly as on a school college notice board. आम तौर पर इसको स्कूल या कॉलेज में पब्लिकली, यानी कि एक समूह के लिए, काफ़ी लोगों के लिए इसको लगा जाता है. ए नोटिस कैन आल्सो बी गिवन फॉर इंसर्शन इन न्यूज़पेपर लाइक एन एडवर्टीजमेंट. नोटिस को एक विज्ञापन की भांति अखबार के कॉलम में भी दिया जाता है. बट देर इज वन मेन डिफरेंस, यहाँ एक मुख्य अंतर है बिटवीन एन एडवर्टीजमेंट एंड ए नोटिस. एक नोटिस और एडवर्टीजमेंट के अंदर एक मुख्य अंतर होता है. एन एडवर्टीजमेंट इज चीफली कॉमर्शियल, जो विज्ञापन होता है वो मुख्य तौर पर व्यापारिक होता है, और मैट्रिमोनियल या शादीशुदा के लिए, शादी के लिए जो कॉलम आता है अखबार में मैट्रिमोनियल, उसमें विज्ञापन को दिया जाता है. बट ए नोटिस इज ए जनरल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, लेकिन जो नोटिस होता है वो आम सूचना का एक हिस्सा होता है फॉर ए पार्टिकुलर ग्रुप, किसी एक विशेष समूह के लिए. ए नोटिस शुड बी इन कंप्लीट सेंटेंस और इवन इन द फॉर्म ऑफ ए शॉर्ट पैराग्राफ. जो नोटिस होता है वो एक पूरा का पूरा वाक्य के हिसाब से भी होता है, ये एक छोटा सा पैराग्राफ भी हो सकता है. वेर याद, जबकि एन एडवर्टीजमेंट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मेरली कैची फ्राजेज एंड स्लोगन्स. जो विज्ञापन होता है वो केवल आकर्षक मुहावरे और जो स्लोगन्स होते हैं, नारे होते हैं, उनमें बनाई जाती है. ठीक है, तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट नोटिस. यू आर फातिमा, प्रेजिडेंट ऑफ द एक्सकर्शन क्लब. आप जो भ्रमण क्लब है, भ्रमण करने के लिए आप जाते हैं ना घूमने, उसके प्रधान हैं. यू हैव ऑर्गेनाइज्ड एन एक्सकर्शन टू गोवा ड्यूरिंग द विंटर ब्रेक फॉर द सीनियर स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल. आपके स्कूल के जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आपने गोवा जाने के गोवा के भ्रमण के लिए आपने एक ऑर्गेनाइज किया है मिशन. राइट ए नोटिस इन अबाउट 50 वर्ड्स इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स अबाउट द प्रोपोज्ड एक्सकर्शन. आपको लगभग 50 शब्दों में ये नोटिस लिखना है, और बच्चों को प्रपोज्ड एक्सकर्शन है जो कि आपने ये भ्रमण का जो उद्देश्य बनाया है उसके बारे में बताना है. ठीक है, तो नोटिस कैसे शुरू करते हैं. पहले तो हम नोटिस का क्या है, बॉक्स होता है नोटिस में, आप
जो बॉक्स बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, आप डेट मेंशन करेंगे लेफ्ट साइड में, जो हमने यहाँ से शुरू की है, ठीक है। ये तो मेन है कि आपको नोटिस लिखना कैसे, बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स के बाद आप लेफ्ट साइड में डेट लिखेंगे, उसके बाद शुरू करेंगे। अब देखिए कैसे लिखा जाता है, द एक्सकर्सन क्लब ऑफ द स्कूल हैज ऑर्गेनाइज्ड एन एक्सकर्सन टू गोवा ड्यूरिंग द कमिंग विंटर ब्रेक। जो स्कूल का भ्रमण क्लब है उसने जो सर्दियों की जो छुट्टियां आने वाली है उनके लिए गोवा भ्रमण के लिए क्या है, एक एक्सकर्सन यानी कि एक भ्रमण ऑर्गेनाइज किया है। इट विल बी ए 7-day टूर, यह 7 दिन का एक टूर होगा। आप फिर वो डेट मेंशन करेंगे किस तारीख से किस तारीख तक, कि 25 तारीख से 31 तारीख तक होगा। ओनली द सीनियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेज 11th एंड 12th विल बी टेकिंग पार्ट इन इट। इसमें केवल जो सीनियर क्लास हैं 11वीं और 12वीं उन्हीं के स्टूडेंट्स क्या है जो वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बोर्ड लॉजिंग एंड ट्रेवल एक्सपेंस विल अमाउंट टू अराउंड 3000 ईच। जो आपका सामान का है और जो आपका ट्रैवल का किराया वगैरह है, जो सब खर्च हैं वो लगभग प्रत्येक के हिस्से 3000 होंगे। दोज हु वांट टू जॉइन द टूर, जो इस टूर को ज्वाइन करना चाहते हैं, शुड गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड बाय द 30th ऑफ दिस मंथ। जो भी जाना चाहते हैं वो जो नीचे लिखा है उनको अपने नाम दे दे, अंडरसाइंड जो नीचे लिखे हुए हैं, ये जो अंडरसाइंड कर रखे हैं, फातिमा प्रेजिडेंट एक्सकर्सन क्लब, आप जो प्रधान है इसका भ्रमण क्लब का, उसको आप क्या है अपने नाम दे सकते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट था, अब हम करते हैं सेकंड। सेकंड है, यू आर द सेक्रेटरी ऑफ द साइंस क्लब ऑफ योर स्कूल। आप अपने स्कूल के जो साइंस क्लब है उसके सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं। यू वांट टू ऑर्गेनाइज एन इंटर स्कूल साइंस एग्जीबिशन, आपको आपके स्कूल के अंदर ही एक साइंस प्रदर्शनी है वो करनी है। ड्राफ्ट नोटिस, एक नोटिस बनाइए, इनवाइटिंग एम्बिशियस महत्वाकांक्षी टैलेंटेड और ब्रिलियंट स्टूडेंट्स ऑफ 11th एंड 12th क्लास टू पार्टिसिपेट। आप स्कूल के जो 11वीं और 12वीं के जो महत्वाकांक्षी टैलेंटेड और ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं आपको उनको बुलाना है, ठीक है। तो आप कैसे शुरू करेंगे, वही पहले लिखेंगे नोटिस, फिर मेन जो हेडिंग आपकी किस पर है आपका, तो हमने यहाँ लिखा साइंस क्लब, उसके बाद आप हमने ऐसे इसकी बाउंड्री लगा दी, ठीक है। बाउंड्री लगाने के बाद फिर हमने यहाँ डेट मेंशन की। अब डेट मेंशन के बाद क्या लिखेंगे, द साइंस क्लब ऑफ द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन इंटर स्कूल साइंस एग्जीबिशन। जो स्कूल का विज्ञान का जो क्लब है वो आपके स्कूल के अंदर ही एक साइंस की प्रदर्शनी आयोजित करने जा रहा है। द एग्जीबिशन विल बी हेल्ड ऑन 7th of August, 7 अगस्त को ये प्रदर्शनी होगी। 20 स्कूल्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट आर पार्टिसिपेटिंग इन इट। हमारे जिले के 20 स्कूल इसमें भाग ले रहे हैं। एम्बिशियस टैलेंटेड एंड ब्रिलियंट स्टूडेंट्स ऑफ 11th एंड 12th क्लासेस ऑफ साइंस टीम ऑफ आवर स्कूल आर इनवाइटेड टू पार्टिसिपेट इन इट। हमारे स्कूल की 11वीं और 12वीं क्लास के जो विज्ञान की क्लास है उसके विद्यार्थी आमंत्रित हैं। दोज इंटरेस्टेड शुड गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड बाय 28th ऑफ दिस मंथ। जो जो इसमें इच्छुक हैं, रुचि रखते हैं, वो अपने जो नीचे दिए गए हैं सचिव उनका नाम, उनको आप अपने नाम दे सकते हैं, ओके। आप साथ ही साथ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। अब थर्ड करेंगे हम, थर्ड है थर्ड है, यू आर द क्लास रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्लास 12th। आप 12वीं क्लास के प्रतिनिधित्व करने वाले हैं।
राइट ए नोटिस फॉर सर्कुलेशन अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास रिगार्डिंग ए पिकनिक ट्रिप टू सुखना लेक चंडीगढ़। चंडीगढ़ में जो सुखना झील है उसकी सूचना देने के लिए आप अपने क्लास के जो प्रतिनिधि हैं आप अपनी तरफ से एक नोटिस बनाएंगे। तो नोटिस में क्या लिखेंगे आप, फर्स्ट में वही बात, नोटिस की जो मेन हेडिंग है वो लिखेंगे आप, उसके बाद जो बाउंड्री हैं वो लगाएंगे आप, बाउंड्री के बाद आप डेट मेंशन करेंगे और फिर शुरू करेंगे। क्लास 12th ऑफ स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए पिकनिक ट्रिप टू सुखना लेक चंडीगढ़। हमारे स्कूल की जो 12वीं क्लास है वो एक पिकनिक ट्रिप है सुखना झील के लिए चंडीगढ़ में, उसको आयोजित करने जा रही है। मोस्ट प्रोबेबली लगभग इट विल बी इन द फर्स्ट वीक ऑफ द नेक्स्ट मंथ, यह अगले महीने के पहले सप्ताह में होंगे। ईच पार्टिसिपेंट विल हैव टू कंट्रीब्यूट ₹300 एज एक्सपेंस फॉर कन्वेनियंस फूड एंड स्नैक्स। हर एक भागीदार को इसमें ₹300 का योगदान देना होगा खर्च के तौर पर, सुविधा के तौर पर खाने की और जो स्नैक्स वगैरह जलपान वगैरह होता है उसके लिए। दोज हु वांट टू पार्टिसिपेट, जो भाग लेना चाहते हैं, शुड गिव दे नेम्स टू द अंडरसाइंड बाय द 30th ऑफ दिस मंथ, इस महीने की 30 तारीख तक नीचे लिखे एड्रेस पर वो अपने नाम दे सकते हैं। ABC फिर आप नाम है ये कोई भी दे सकते हैं आप, फिर क्लास रिप्रेजेंटेटिव जो क्लास का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कौन सी क्लास का, क्लास 12वीं का, ठीक है। सेकेंड शॉट साथ के साथ ले लिया करो, पहले ले लिया करो, ठीक है। अब 4th है हमारा, ये ब्लड डोनेशन पे है, ठीक है। तो आपको वही काम करना है, पहले जो चीफ हेडिंग है उसको लिखेंगे ब्लड डोनेशन कैंप, ऊपर नोटिस लिखेंगे, फिर इसकी वो बाउंड्री वगैरह ये तो बाद में बनानी है आपको लिखने के बाद, ठीक है। उसके बाद आप डेट मेंशन करेंगे, डेट मेंशन के बाद द डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस सोसाइटी, जो आपके जिले की रेड क्रॉस सोसाइटी है, इज ऑर्गेनाइजिंग ए ब्लड डोनेशन कैंप इन आवर स्कूल ऑन द 27th ऑफ दिस मंथ, इस महीने की 27 तारीख को जो जिला रेड क्रॉस सोसाइटी है हमारे स्कूल में ब्लड डोनेशन कैंप है, खून दान का जो कैंप है वो आयोजित करने जा रही है। 3 फेमस डॉक्टर्स एंड 6 नर्सिस ऑफ द सोसाइटी विल कम फॉर द कलेक्शन ऑफ ब्लड। 3 तो फेमस मशहूर डॉक्टर्स और 6 नर्सें हैं जो सोसाइटी की, वो इस यहाँ ब्लड को इकट्ठा करने के लिए आ रहे हैं। द कलेक्टेड ब्लड विल बी सेंट टू द आर्मी हॉस्पिटल, जो खून इकट्ठा होगा उसको आर्मी के हॉस्पिटल में भेज दिया जाएगा। टू सेव द प्रेशियस लाइव्स ऑफ आवर ब्रेव जवान्स, हमारे बहादुर जवानों के कीमती जीवन को बचाने के लिए ये खून इकट्ठा किया जा रहा है। ऑल स्टूडेंट्स आर इन्वाइटेड टू कम फॉरवर्ड, सभी विद्यार्थी आमंत्रित हैं कि आगे आए टू डोनेट ब्लड फॉर दिस नोबल कोज, इस नेक कार्य के लिए आगे आए खूनदान दें। डोनेशन ऑफ ब्लड इज द नोबलेस्ट ऑफ ऑल एक्ट्स, जो खूनदान है वो सबसे नेक काम है, योग्य काम है। इसके बाद आप नीचे अपना नाम लिखेंगे, नाम के बाद आप कौन है, हेड बॉय हैं या क्लास मॉनिटर हैं या जो कुछ है आप वो लिखेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अब इसके बाद करेंगे हम 5th, ये कल्चरल क्लब, आपका सांस्कृतिक क्लब होता है स्कूल के अंदर, जो आप स्कूल के अंदर सांस्कृतिक प्रोग्राम करते हैं तो वो ये ही करते हैं, ठीक है। तो हम इसको पढ़ेंगे, अब वही बात जो मैंने बताई थी स्टार्टिंग में, आप पहले नोटिस बोर्ड है वो लिखेंगे, यहाँ नोटिस के साथ नोटिस बोर्ड भी लिख सकते हैं, नोटिस बोर्ड, फिर कल्चरल क्लब जो मुख्य हेडिंग है, फिर आप तारीख लिखेंगे, डेट मेंशन करेंगे लेफ्ट साइड में, फिर ये बाउंड्री हैं जो वो बनाएंगे, उसके बाद में फिर आप फर्स्ट लाइन लिखेंगे, द कल्चरल क्लब ऑफ द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग ए कल्चरल इवनिंग टू रेज फंड्स टू हेल्प द विक्टिम्स ऑफ मुंबई बम ब्लास्ट, जो मुंबई में बम ब्लास्ट हुआ है उनके जो विक्टिम्स हैं यानी कि जो शिकार हुए हैं उन धमाकों का, उनकी सहायता करने के लिए एक सांस्कृतिक शाम का प्रोग्राम होगा जिसमें फंड इकट्ठा किया जाएगा। द प्रोग्राम विल बी हेल्ड ऑन द 15th ऑफ अप्रैल एट 7 PM इन द स्कूल हॉल, ये जो प्रोग्राम होगा वो 15 तारीख की शाम को 7 बजे होगा अप्रैल में स्कूल के हॉल में। मैनी रिनाउंड आर्टिस्ट ऑफ द स्टेट हैव बीन इन्वाइटेड टू टेक पार्ट
इन इट, रिनाउंड होते हैं, विख्यात, नामी गिरामी कलाकार, आर्टिस्ट होते हैं कलाकार, राज्य के नामी गिरामी जो कलाकार हैं मशहूर, उनको इनवाइट किया गया है, बुलाया गया है इसमें भाग लेने के लिए। टिकट्स फॉर द प्रोग्राम कैन बी हैड फ्रॉम द क्लब ऑफिस, जो इसके लिए टिकट होंगी वो आप ऑफिस से ले सकते हैं। आप नीचे अपना नाम देंगे, फिर आपकी डेजिग्नेशन क्या है, आप हेड बॉय हैं, मॉनिटर हैं, सेक्रेटरी है, प्रेसिडेंट है, नीचे आप अपना वो लिखेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब नेक्स्ट है, यू आर अलका आलोक ऑफ क्लास 12th, यू हैव लॉस्ट योर रिस्ट वॉच इन योर स्कूल। आपका नाम दिया गया है, अलका है, आलोक है, आप 12वीं क्लास से हैं, आपने अपनी कलाई की घड़ी है जो वो गुम कर दी है, रिस्ट वॉच होता है कलाई की घड़ी, तो ड्राफ्ट नोटिस अबाउट इट फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड, इसके बारे में आप अपने स्कूल के नोटिस बोर्ड पर वो लिखेंगे। तो पहले क्या लिख रखा आपने, यहाँ एड्रेस दे रखा स्कूल का, तो आप लिखें पहले जो स्कूल का नाम दे रखा है, मोदी पब्लिक स्कूल मोदी नगर, तो हम लिख सकते हैं अपना ऋषिकुल सीनियर सेकेंडरी स्कूल कुराना, फिर नीचे नोटिस लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या हमारा गुम हुई चीज़ पे, तो लॉस्ट का, तो इस पे हम लिखेंगे लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट। अब तीन जगह लिखा तो हमने इनके पीछे ये एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाने हैं, उसके बाद लेफ्ट साइड में डेट, उसके बाद फिर स्टार्टिंग करेंगे। व्हाइल प्लेइंग इन द स्कूल कंपाउंड ड्यूरिंग द रिसेस पीरियड, जो रिसेस पीरियड होता है उसके दौरान खेलते वक्त स्कूल के कंपाउंड में, आई ड्रॉप्ड माई रिस्ट वॉच समवेयर, कहीं ना कहीं मुझसे ड्रॉप होता छूटना गिराना, तो मेरी जो रिस्ट वॉच है वो गिर गई है। बिसाइड्स बींग वैल्यूबल, बिसाइड्स के अतिरिक्त, बींग वैल्यूबल कीमती, कीमती होने के अतिरिक्त अतिरिक्त, इट हैज़ आल्सो एन इमोशनल वैल्यू फॉर मी, एक भावनात्मक रिश्ता भी है मेरा इसके साथ। The finder is requested to return it to me or deposit it with the school office. या तो जिसको मिली है वो इसको मुझे लौटा दें या स्कूल के ऑफिस में डिपॉजिट करा सकता है। A good cash reward is promised. एक अच्छा सा नगद इनाम का वायदा किया जा रहा है। नीचे आप अपना नाम देंगे, आलोक शर्मा, उसके बाद आप रोल नंबर क्लास वो मेंशन करेंगे, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब नेक्स्ट है, यू हैव लॉस्ट योर हिस्ट्री बुक समवेयर इन द स्कूल, ये भी लॉस्ट का है। राइट ए नोटिस फॉर द लॉस्ट एंड फाउंड बोर्ड ऑफ योर स्कूल, एक नोटिस बोर्ड होता है जैसे लॉस्ट, एक होता फाउंड, अब ये एक स्पेशल बोर्ड होता है जिसमें कोई भी चीज़ गुम हो जाती है या कोई भी चीज़ आपको मिलती है, तो एक बोर्ड होता है जिसका नाम होता है लॉस्ट एंड फाउंड बोर्ड, ठीक है। तो स्कूल का आप यहाँ एड्रेस नहीं दे रखा, अगर एड्रेस होता तो पहले आप यहाँ आप स्कूल का नाम लिखते यहाँ, उसके बाद नोटिस बोर्ड, उसके बाद फिर लॉस्ट एंड फाउंड, ये नोटिस बोर्ड का नाम है कि इस विषय पे वही सूचनाएं दी जाती है, वही नोटिस लिखते हैं जब कोई चीज़ गुम होती है या मिल जाती है, तो वही सेम प्रोसेस, लेफ्ट साइड आप डेट मेंशन करेंगे, आप इसकी जो बॉडी है वो बनाएंगे बाउंड्री, उसके बाद आप फर्स्ट लाइन कैसे लिखेंगे, आई हैव लॉस्ट माई हिस्ट्री बुक समवेयर इन द स्कूल, स्कूल में कहीं मैंने अपनी हिस्ट्री की बुक गुम कर दी है। The annual examinations are drawing near. जो वार्षिक परीक्षा हमारी वो नज़दीक खींची आ रही है। And if the book is not found, और अगर किताब नहीं मिलती है, I shall be faced with a big problem. मुझे एक बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। The finder is requested to return the book to me or deposit it with the school office. जो जिसको मिली है पाने वाला, उसको प्रार्थना की जाती है कि या तो बुक को मुझे लौटा दे या स्कूल के ऑफिस में उसको डिपॉजिट करा दे। इट विल बी एन एक्ट ऑफ ग्रेट काइंडनेस एंड फेवर, ये जो आपका काम होगा एक बहुत ही दयालुता का काम होगा। उसके बाद आप नीचे आप अपना नाम देंगे, आप रोल नंबर देंगे, आप क्लास देंगे, नोटिस आपका ये कंप्लीट, ओके। सेकेंड शूट ले लें इसको। नेक्स्ट है 8th, यू हैव फाउंड ए पर्स इन द स्कूल कॉलेज कैंपस, स्कूल या कॉलेज के कैंपस में आपको एक पर्स मिला है। पुट अप ए नोटिस अबाउट दैट ऑन द लॉस्ट एंड फाउंड बोर्ड, आपको उसके बारे में, आपको जो मिला है
मैंने बताया था ना, एक स्पेशल नोटिस बोर्ड होता है जिसपे सिर्फ चीज़ें गुम हुई हैं या मिली हैं वही लिखनी है। तो वही बात लिखेंगे आप, स्कूल का नाम लिखेंगे फर्स्ट यहाँ पे, उसके बाद नोटिस है ये, उसके बाद कौन सा नोटिस है, लॉस्ट एंड फाउंड, इस पर सिर्फ लॉस्ट एंड फाउंड चीज़ों का ही जिक्र होता है, सूचनाएँ दी जाती हैं। उसके बाद आप डेट मेंशन करेंगे, जो डेट है ये 21st of February। तो आगे लिखेंगे आप, आई फाउंड ए पर्स लाइंग इन द स्कूल कंपाउंड टुडे ड्यूरिंग द रिसेस पीरियड। रिसेस पीरियड के दौरान मुझे स्कूल के जो कंपाउंड है, ग्राउंड है, उसमें एक पर्स गिरा हुआ मिला। लाइंग होता है गिरा हुआ। इट कंटेन्स सम मनी एंड इम्पोर्टेंट पेपर्स। कंटेन्स होता है रखना, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण पेपर्स हैं और पैसे हैं। द पर्स हैज बीन डिपॉजिटेड विद द स्कूल ऑफिस। जो पर्स है इसको डिपॉजिट करा दिया गया है स्कूल के ऑफिस में। द ओनर कैन कलेक्ट इट, ओनर मालिक कैन कलेक्ट इट, इसको ले सकता है। आफ्टर गिविंग इट्स एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन, इसका जो सही डिस्क्रिप्शन है, वर्णन है, वो बता के कि कैसा है, क्या कलर है, क्या इसके अंदर सामान है, वो कलेक्ट कर सकता है। आप अपना नाम देंगे, आप आनंद कुमार हैं, आपका रोल नंबर ये है, आपकी क्लास ये है, इसका भी आप स्क्रीन शॉट ले लें। अब नेक्स्ट है 9th, यू आर प्रतीक स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, 12वीं क्लास के आप प्रतीक हैं। इज द स्टूडेंट एडिटर ऑफ यू स्कूल मैगजीन, स्कूल की जो मैगजीन है उसके आप एडिटर हैं, छापने वाले हैं। राइट ए नोटिस, एक सूचना लिखिए, इनवाइटिंग ओरिजिनल कंपोजिशन फ्रॉम द स्टूडेंट्स एंड मेंबर्स ऑफ द स्टाफ फॉर पब्लिकेशन इन द एनुअल इशू ऑफ द मैगजीन। स्कूल की जो वार्षिक मैगजीन निकलेगी, पत्रिका निकलेगी, वो है, उसकी छपाई के लिए आप विद्यार्थियों को और स्टाफ को, उनको आप ये नोटिस दे रहे हैं कि ओरिजिनल कंपोजिशन होता है, कंपोजिशन होता है रचना, ओरिजिनल बिल्कुल सही, यानी कि जो जेन्युइन है, जो आपने बनाई गई है, किसी और की नहीं, वो रचना ही आप हमें दे दीजिए। तो क्या लिखेंगे आप, नोटिस जो सूचना है स्टार्टिंग में क्या है, ये सूचना दी आपने, कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर स्कूल मैगजीन, स्कूल की जो पत्रिका है उसके लिए आपका क्या योगदान है, ठीक है, उसमें क्या योगदान है, आप डेट मेंशन कर देंगे। अब देखिए, वी आर गोइंग टू ब्रिंग आउट द एनुअल इशू ऑफ योर आवर स्कूल मैगजीन नेक्स्ट मंथ। हमें क्या है, वी आर गोइंग, हम जा रहे हैं, टू ब्रिंग आउट, सामने लाने के लिए, द एनुअल इशूज ऑफ आवर स्कूल मैगजीन नेक्स्ट मंथ। है हमारे स्कूल की पत्रिका में जो वार्षिक जो भी स्कूल के अंदर हुआ है, उनको हम इशू करने के लिए, यानी कि छापने के लिए जा रहे हैं। स्टूडेंट्स एंड मेंबर्स ऑफ द स्टाफ हु वांट टू हैव देयर आर्टिकल्स, स्टोरीज, पोएम्स etc. पब्लिश्ड इन दिस इशू शुड हैंड ओवर देयर आर्टिकल्स टू द अंडरसाइंड बाय द 25th ऑफ दिस मंथ। उसने कहा है, जो भी विद्यार्थी, स्टूडेंट्स एंड मेंबर ऑफ द स्टाफ, जो भी स्टाफ मेंबर हैं, विद्यार्थी हैं, हु वांट टू हैव देयर आर्टिकल्स स्टोरीज, जो भी चाहते हैं उनके आर्टिकल्स, कोई टिप्पणियाँ हैं, कहानी हैं, पोएम्स हैं, पब्लिश्ड इन दिस इशू, जो इसमें पब्लिश करना चाहते हैं, शुड हैंड ओवर देयर आर्टिकल्स, अपने जो भी आर्टिकल्स हैं, पैराग्राफ हैं, वो नीचे लिखे पते पर 25 तारीख तक दे दें। इट इज इम्पेरेटिव दैट द कंपोजिशन शुड बी ओरिजिनल एंड ऑफ ए फेयरली गुड स्टैंडर्ड। ये खास तौर पर हिदायत है कि जो रचनाएं हैं, एक तो ओरिजिनल होनी चाहिए, किसी की नकल ना हो, आपकी खुद की हो, एंड ऑफ फेयरली और सही हो, लायक हो पढ़ने के, फेयरली गुड स्टैंडर्ड और अच्छे स्तर की लेवल की वो हो। आप नीचे अपना नाम देंगे, क्लास देंगे, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अब 10th हम पढ़ रहे हैं, यू आर द प्रेजिडेंट ऑफ द आर्ट क्लब ऑफ योर स्कूल। अब आप स्कूल के जो आर्ट क्लब है, कला का, उसके प्रधान हैं। यू आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन इंटर स्कूल ऑन द स्पॉट पेंटिंग कॉम्पिटिशन ऑन द ग्राउंड ऑफ द स्कूल। स्कूल के ग्राउंड में ऑन द स्पॉट, मौके पर ही आप एक कॉम्पिटिशन कराना चाह रहे हैं, किस चीज़ का, पेंटिंग का। ड्राफ्ट नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड, स्कूल के नोटिस बोर्ड के लिए आप ये लिखेंगे। अब देखिए नोटिस, अब ये लॉस्ट एंड फाउंड का नहीं है, पहले हमें लॉस्ट एंड फाउंड था, उसके लिए अलग से नोटिस बोर्ड है। तो ये दूसरा सूचना पट है आपके स्कूल का, इस पे आप लिखेंगे आर्ट क्लब, फिर डेट, फिर वही स्टार्टिंग करेंगे। द आर्ट्स क्लब ऑफ द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन इंटर स्कूल ऑन द स्पॉट पेंटिंग कॉम्पिटिशन। मौके पर ही स्कूल जो है
एक स्कूल के अंदर ही पेंटिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज आयोजित करने जा रहा है। द कंपटीशन विल बी हेल्ड ऑन द 15th of February, फरवरी की 15 तारीख को ये आयोजित होगा। 10 स्कूल्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट आर पार्टिसिपेटिंग इन इट, डिस्ट्रिक्ट के जिले के 10 स्कूल इसमें भाग ले रहे हैं। एम्बिशियस टैलेंटेड एंड ब्रिलियंट स्टूडेंट्स ऑफ 11th एंड 10th क्लासेज, ऑल स्ट्रीम, हर वर्ग, आर्ट है, कॉमर्स है या साइंस है, सब के भाग ले रहे हैं। ऑफ आवर स्कूल आर इन्वाइटेड टू पार्टिसिपेट इन इट, उनको आमंत्रित किया जाता है। हमारे स्कूल की 11वीं 12वीं क्लास के तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट्स, आर्ट, कॉमर्स एंड साइंस के, वो हम आमंत्रित हैं। दोज इंटरेस्टेड शुड गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड बाय द 13th ऑफ दिस मंथ, जो रुचिकर हैं इसमें भाग लेने के वो नीचे पते फिर 30 तारीख तक अपना नाम दे दें। सब में सेम लाइन है, सब में सेम लाइन है, चार लाइनें याद करनी है। जिस भी क्लब का नाम उसी क्लब का, दिस क्लब इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए पेंटिंग क्लब, ए ब्लड डोनेशन कैंप, ये वो जो कुछ है ये आयोजित करना चाह रहे हैं। दो स्टूडेंट हु आर इंटरेस्टेड, जो भी इंटरेस्टेड हैं वो नाम दे दे, इस तारीख तक दे दे। सेम प्रोसेस होती है इसकी लिखने की। अब 11th है, ये लास्ट है। अब यू आर प्रतीक दी सेक्रेटरी ऑफ ड्रामेटिक क्लब ऑफ योर स्कूल, अब ड्रामेटिक क्लब के प्रधान हैं आप। राइट ए नोटिस फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड इन अबाउट 50 words, 50 शब्दों में स्कूल के सूचना पट पर आपको सूचना देनी है। इनवाइटिंग नेम्स ऑफ दोज, उनके नाम लेने के लिए, हु वुड लाइक टू पार्टिसिपेट इन द प्रपोज्ड ड्रामा कॉम्पिटिशन टू बी ऑर्गेनाइज बाय द क्लब, क्लब के द्वारा आयोजित किए जाने वाला जो ड्रामा है, जो उसमें इंटरेस्टेड हैं उनके को नाम देने के लिए आप सूचना दे दीजिए। तो क्या लिखेंगे आप, पहले जो सेम चीज़ है वो एक नोटिस, फिर नोटिस के बाद नेम ऑफ योर स्कूल, फिर कौन सा क्लब आपका, इको क्लब है, कल्चरल क्लब है या इंसर्शन क्लब है, आप ड्रामेटिक क्लब है आपका, ठीक है। और फिर वही तारीख देंगे लेफ्ट साइड में, डेट मेंशन करेंगे आप, आप फिर करेंगे। द ड्रामेटिक क्लब ऑफ आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन इंटर क्लास डांस कॉम्पिटिशन ऑन द 15th of December 2020। अब जो ये ड्रामा क्लब है ना स्कूल का, वो एक डांस कंपटीशन करने जा रहा है स्कूल के अंदर, इंटर क्लास कंपटीशन। ओनली दिस इन स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th एंड 12th ऑफ द स्कूल्स आर इनवाइटेड टू टेक पार्ट इन द कंपटीशन, जो सीनियर क्लासेज हैं 11वीं और 12वीं, उसी के विद्यार्थियों को आमंत्रित किया जाता है। दो जो हु आर विलिंग, जो इच्छुक है, विलिंग होता है इच्छुक, टू टेक पार्ट इन द कॉम्पिटिशन, इस कॉम्पिटिशन में, मुकाबले में भाग लेने के लिए, शुड कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड बिफोर द 25th ऑफ दिस मंथ, इस महीने की 25 तारीख से पहले उनसे कॉन्टैक्ट कर लें, मिल लें। आप अपना नाम देंगे, फिर आपकी डेजिग्नेशन क्या है वो लिखेंगे, उसके बाद आप ये बाउंड्री बना देंगे, ठीक है। ये 50 शब्द में ही, वर्ड्स में ही होते हैं, उसमें ही लिखना होता है, ठीक है। ये लास्ट हमारा, इट इज़ क्वाइट लास्ट। यू आर द सेक्रेटरी ऑफ द NSS यूनिट ऑफ स्कूल, जो स्कूल की NSS यूनिट है, आप उसके सचिव हैं। राइट ए नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड इन्वाइटिंग वॉलेंटियर्स फॉर एन NSS कैंप, वॉलेंटियर होते हैं अपनी इच्छा से काम करने वाले, वॉलेंटियर क्या होते हैं, अपनी स्वयं सेवक जिनको बोलते हैं, ठीक है। तो आप NSS यूनिट स्कूल के, उसके आप सचिव हैं, तो आप नाम लेना चाहते हैं उनके, जो स्वयं सेवक बनना चाहते हैं, तो आपने स्कूल का नाम लिखा, कोई भी ABC स्कूल है जो, फिर आपने नोटिस दिया NSS कैंप एट सुल्तानपुर, ये सुल्तानपुर जगह पे कोई NSS कैंप लगने जा रहा है, तो इसमें आप डेट मेंशन करेंगे। डेट मेंशन के बाद आप, अब देखिए कैसे करें, एक 10 दिन का NSS कैंप इज गोइंग टू बी हेल्ड एट विलेज सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट करनाल फ्रॉम द 19th of August टू द 28th 19 अगस्त से 28 अगस्त तक जिला करनाल के सुल्तानपुर गांव में एक NSS का 10 दिन का कैंप होने जा रहा है। स्टूडेंट्स विल गेट एन अपॉर्चुनिटी, जो विद्यार्थी हैं उनको एक अवसर मिलेगा टू स्पेंड टाइम विद द विलेजर्स, एक तो गांव के लोगों के साथ समय व्यतीत करने का, एंड हेल्प देम इन वेरियस वेज, और भिन्न भिन्न तरीकों से उनकी मदद करने का मौका मिलेगा। वॉलेंटियर्स ऑफ द स्कूल NSS यूनिट, जो स्कूल की NSS यूनिट के वॉलेंटियर हैं, स्वयं सेवक हैं, विलिंग टू अटेंड दिस कैंप, इस कैंप को अटेंड करने के इच्छुक हैं, शुड गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड बाय द 16th ऑफ दिस मंथ, इस महीने की 16 तारीख से पहले
जो है जो नीचे लिखे पते हैं उन पर अपना नाम दे दें, ठीक है। उसके बाद आप अपना यहाँ नाम लिखें, नाम के बाद आप कि डेजिग्नेशन क्या है, स्कैट है तो स्कैट लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स इसमें हमने नोटिस क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, इनमें अंतर क्या होता है वो चीज़ सीखी है। उसके बाद 12 नोटिस हमने इसमें एक वीडियो में की है। ये मैंने जो 12th की किताब है, हेल्प बुक है, उसमें 12 दे रखे थे, मैंने सब के सब निकाल लिए, ठीक है। अब आपको आप 7th क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के जिस भी क्लास के विद्यार्थी हैं, आपको कॉलेज लेवल तक ये नोटिस आपको काम देंगे। अब आपको ना तो किसी बुक को पढ़ने की ज़रूरत है, ना किसी और के पास जाने की जरूरत है। इस एक वीडियो को डाउनलोड कीजिए इसमें, और आप इसके लिखना है तो आपको लिखने के लिए आप इसके स्क्रीनशॉट भी लेते रह सकते हैं और इसको सुन भी सकते हैं आप, ठीक है। ये आपका पूरा काम चलाएगी। और हाँ स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लगता है कि मैंने इस पर ठीक मेहनत की है, आपको ज़रा सा भी फ़ायदा होगा इस मेरी मेहनत से, तो आप इसके लिए क्या करेंगे, आप लाइक करेंगे इसको और इसको शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।